Hello everyone, welcome to my channel. Kindly subscribe to my channel if you are new to watch the video. हाँ जी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल नू ते पेंटिंग दिया वीडियोस देखने लिए तैयार हो जो। आज मैं एक बहुत ही अच्छा फ्लावर, सिंपल जा फ्लावर पेंट करके तुहानू दसूंगी। ये मैं एक्चुअली एक वाइट कलर दे क्रीम कलर दे स्टफ ते ड्रॉ कर रही सी ते पेंट करन लगी सी इनू। पहला आपां दीआं लीव्स पेंट करांगे ते इहदा छोटा जिहा स्टैम, जिहड़ा पतला जिहा स्टैम उह पेंट करांगे। और जदों पेंटिंग दी गल आउंदी आ तां आपां उहनूं हल्के हत्थां नाल पेंट करांगे और बहुत ही घट कलर जिहड़ा उह ब्रश दे उपर होणा चाहीदा तां जो जिहड़ा तुहाडा फैब्रिक पेंट आ उह हार्ड ना होए। मैं पहलां वी अपनीआं कई वीडियोज़ दे विच दस्सिआ कि जिहड़ा फैब्रिक पेंट हुंदा उह सिल्की स्टफ दे उपर और जिहड़ा सिंथेटिक स्टफ हुंदा उहदे ते बेस्ट हुंदा और उहदे ते बहुत अच्छी फिनिशिंग आउंदी आ रैदर दैन अ कॉटन। सो प्रैफर टू हैव सम काइंड ऑफ जॉर्जेट मटीरियल, टैबी सिल्क मटीरियल और जाम सिल्क मटीरियल। हेयर आई एम यूजिंग सैप ग्रीन कलर विद वाइट फॉर गिविंग द मिक्सिंग इन लीव्स। इत्थे मैं पत्तियां दी जिहड़ी मिक्सिंग आ उह सैप ग्रीन कलर ते वाइट कलर लै के फेर कीती है। ये देखो पहला मैंने पेंसिल नाल ड्रॉ कर लिया सी फैब्रिक दे उपर। कलर पेंसिल्स हुंदियां ने जिहड़ियां किते भी चल जांदियां ने किते भी सरफेस ते, ते वो तुसी लै सकदे हो मार्केट तो। देखो बस आपां ब्रश ते बिल्कुल थोड़ा जिहा कलर मतलब लाना है, थोड़ा जिहा कलर ला के बस, ज़्यादा मतलब कलर दे नाल उहनूं भरना नहीं है, हल्का हल्का कलर नाल बॉडरी जिहा कलर मतलब लैना आपां ने। कलर दे विच तुसीं पानी मिक्स कर लैणा जे तुहाडा कलर थोड़ा जिहा गाढ़ा ठीक है, जो दी डेंसिटी ठीक है तां तुसीं उस पानी मिक्स करके, मीडियम ना मिक्स करियो, मीडियम मिक्स करके कपड़ा की है उहदी हार्डनेस वध जांदी है कपड़े दी, जदों आफ्टर हैंड पेंट उहनूं यूज करदे हां। और पानी दे विच की है जदों तुसीं पानी नाल उहनूं डाइल्यूट करोगे जां पतला करोगे फिर इदां दी कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रश में इतने फ्लैट ब्रश लिया और हूँ इदा ही अपना सारिया लीव्स पेंट कर लाँगे। लीव्स के थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का टच भी देवे जिमें पछावें का, या फिर कह दो भी जिथे पत्ते दे उपर लाइट नहीं पै रही उत्थे आप ब्लैक का बिल्कुल हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का जिमें कि एक बिल्कुल छोटा जहा दाणा उन्ना मतलब कलर लैके फिर असी उन्हें टच देवे। और उपर वाली साइड नहीं देवे, लीव्स के नीचे वाली साइड तो देवे। दो पेटल्स मैं कर चुकी हाँ, देखो पेंट दियाँ। इतने मैं मस्टर्ड कलर लिया जरा पेल येलो कलर आप कह सकते हैं मस्टर्ड शेड। मस्टर्ड शेड मेरे को फैब्रिक ज़्यादा सी और मैं वो भी डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, कोई मैं कलर बनाया नहीं कुछ नहीं किया। और ये कलर ये उपर बहुत ही ज़्यादा सूट होता नैचुरल, बिल्कुल इदा लगता फ्लावर के नैचुरल लुक आई है। और आप साइड्स तो ये मस्टर्ड कलर के नाल ब्रश नूं कल्ले मस्टर्ड कलर दे नाल डिप करके फिर आपां साइड जिहड़ियां कवर करांगे। और सेंटर दे विच वी हैव टू कलर इट विद अ वाइट कलर। वाइट कलर वी डाइल्यूशन च होना चाहिए, मीनस वह भी ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए तुहाडा कलर। हुण आपां इहनूं इस तरह ही थोड़ी जी मिकसिंग दिंदे दिंदे उहनूं कलर नूं ड्राई नहीं होण देना। तुसीं थोड़ा जिहा पानी दा विच मिक्स कर सकदे हो, पानी लै सकदे हो। एक गल जरूर ध्यान रखना जदों तुसीं कलर यूज़ करो, पानी लगा के यूज़ करो हल्का जिहा ब्रश नूं डिप करके, तां हमेशा सेंटर दे विच ब्रश रखो, क्योंकि जे तुसीं साइड ते रखोगे तां उह तुहाडा कलर है जिहड़ा उह बाहर वाली तरफ फैल जाएगा और फिर तुहानूं फ्लावर दी शेप है जिहड़ी उह मुश्किल है देनी। फ्लावर दी शेप नहीं आएगी और इस तरह तुहाडी जिहड़ी क्रिएटिविटी है उह खराब भी हो सकती है।
सो जिहड़ा ब्रश है उहनू सेंटर च रखो और बहुत ईजी तरीके नाल तुसीं इह फ्लावर जिहड़ा उह पेंट कर सकदे हो। आ देखो जिथे जिथे मैं दिखाना चाहिया वी डार्क शेड मैनू चाहिदा सी तां मैं उत्थे डार्क भी दिखाया। लीव्स दे विच भी देखो तुसीं मैं पेंट कर चुकी हाँ और शैडो भी दिखाई है ना। कई जगह ते मतलब बहुत अट्रैक्टिव तरीके नाल उभर के आ रही है। बाकी जदों इह सूट पूरा फुल पेंट हो जाएगा विद दुपट्टा आई विल शो यू डेफिनेटली। तो यही वीडियो यही सूट की लुक देखने लिए तुसी बने रहो मेरे चैनल पर और इनू सबसक्राइब भी कर लियो बैल आइकन भी दबा लियो ताकि जी नवी नोटिफिकेशन है मेरे चैनल पर वह पता लग सके। हूँ अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, नैक्सट मॉर्निंग आई एम गोइंग टू पेंट इट अगैन बिकॉज रात मेरे को इन्ना टाइम नहीं सी। आई हैव कवर्ड इट विद हाफ ओनली। दैन हूँ देखो मैं नवा इनू नवे सिरे तो टच दे रही हूँ जितों जितों मैंने लग्या कि लाइट थोड़ा डार्क रह गया लाइट रह गया है ना उन्होंने मैं दोबारा तो ठीक कर रही हूँ। और जिहड़ा ये फ्लावर है ये बहुत ईजी है ड्रॉ करना। पहला तुसी इहदी ड्रॉइंग बना लो रफ और फिर इहदी ड्रॉइंग बना के उस तो बाद इनू कलर कर सकते हो जिहड़े मर्जी कलर ना। अगर तुसी कहो कि मैनू पिंक ते ट्यूटोरियल चाहिए या सानू पर्पल तो चाहिए किसी भी कलर का ट्यूटोरियल तुम मैं कह सकते हो तो किसी भी तरह का फ्लावर होर तुम मतलब ट्यूटोरियल देखना हो तो भी मैं तुम्हें दे सकती हाँ एज योर विशेस। ये देखो मेरी यह लास्ट पैटल है जिन्हें मैं पेंट कर रही हूँ। बस सारिया पैटल्स एक तरह पेंट कर लेनिया ने। तुसी जेडे ब्रश नाल कंफर्टेबल हो जैसे राउंड ब्रश है मैं कंफर्टेबल रहनी हूँ हमेशा फ्लैट ब्रश नाल सो मैं फ्लैट ब्रश ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर बिकॉज राउंड ब्रश के सारे ब्रिस्टल्स जेडे ने लंबे होंगे ने इस करके मैं उन्होंने प्रॉब्लम आती है। तो तुसी शेडिंग है जी अपनी राउंड ब्रश के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो राउंड ब्रश के नाल भी कर सकते हो। हूँ इस तरह ही अपना सारा फ्लावर जरा पेंट कर लेना और देखो फ्लावर पेंट हो चुका हूँ। ये ब्लैक ब्लैक जोड़े विच होंगे ने फ्लावर के फ्लावर जो ग्रो करता है ना पॉलन ग्रेन्स जो फ्लावर के मतलब जितों छड़ता वो चीज़ हूँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। हूँ ये दस्यो भी कि लग्या कॉमेंट्स के जरूर दस्यो और वीडियो भी पूरी देखा करो ताकि मेरी वीडियो देख के कोई भी जिहड़ा इंट्रस्ट रखता है आर्ट के विच ते वो कुछ सीख सके घर बैठे ही मतलब कोई ना कोई तुसीं जिदा आप वेले हुंदे आ फ्री हुंदे आ तो तुसीं कोई भी क्रिएटिविटी जिहड़ी आ वो कर सकदे हो। तुहानू इस चैनल ते अगे भी होर बहुत वीडियोज़ मिलनगियां जिहड़ियां DIYs भी होंगे और पेंट के रिगार्डिंग भी मैं बहुत कुछ लैके आन की ट्राई करूँगी जो मैनू नॉलेज है। नॉलेज इन्नी तो नहीं है जिनी कोई नॉलेज है वो अकॉर्डिंग मैं जरा जिन्ना कि मेरे तो होएगा और अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। हम आप इतने छोटिया छोटिया डॉट्स ने जिड़ियाँ पिगमेंटेशन दिखाने लिए फ्लावर की आप ला देनी है और डॉट्स बिल्कुल हल्की हल्की लगाओगे ज़्यादा ब्रश न डिप नहीं करना ब्लैक कलर के बिल्कुल हल्का हल्का डिप करके किते किते डॉट्स व्डिया छोटिया चल जाएगियाँ बट ज़्यादा व्डिया डॉट्स नहीं लगानियाँ। हूँ आप इस तरह ही फ्लावर नूं कंप्लीट कर लाँगे तो यदि फाइनल लुक तुसी देखियो हूँ किदां दी आंदी है। अपा किसी किसी जगह पर यदि जी ब्लैक आउटलाइनिंग है वह कर देंगे बिल्कुल जीरो नंबर के ब्रश के नाल
और ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਦਾ ਅਗਰ ਲਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕ ਕਲਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗ੍ਰਿਟਰ ਕਲਰਸ ਫੈਬਰਿਕ ਕਲਰਸ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕ ਕਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਰ ਡਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਈਲ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬੀਡਸ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।